नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। नूर महल रोड पर कार और ट्रक की आमने सामने हुई भीषण टक्कर, दो लोगों की मौत, 6 गंभीर घायल। जम्मू कश्मीर राज्य मार्ग पर चनेनी के नजदीक हुआ एक सड़क हादसा, 4 लोगों की हुई मौत। अमृतसर एसटीएफ ने ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से आई हथियारों की खेप, 2 किलो हेरोइन की बरामद, एक आरोपी को किया गिरफ्तार। और अब हलचल विस्तार से। फिलौर से नकोदर जाते हुए नूर महल रोड पर कार और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार 7 से 8 लोगों को गंभीर चोटें आई थी, जिन्हें नूर महल के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। वहीं इस घटना संबंधी ट्रक ड्राइवर सुलखन सिंह ने बताया कि वह फतेहगढ़ साहिब से नकोदर की तरफ जा रहा था कि अचानक एक तेज रफ्तार इनोवा गाड़ी सामने की तरफ से आकर सीधी ट्रक से टकरा गई, जिस कारण यह हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि कार सवार लोगों के काफी चोटें आई हैं। वहीं मौके पर पहुंचे एएसआई बलजीत सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि फिलौर नूरमहल रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ है। उन्होंने कहा कि घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जिसमें इलाज के दौरान 2 महिलाओं की मौत हो गई है। वहीं उन्होंने कहा कि पारिवारिक सदस्यों के बयानों के आधार पर ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। फिलौर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जो नोवा सवार, इन्होंने सट्टा जरूर लगियां ने जी, पर ये नहीं स्पष्ट कि किन्नियां नु लगियां जी जी। बाकी हॉस्पिटल तो कोई इन्फॉर्मेशन आउंदी है फिर पता कर लेंगे। ये पता लगा होया एक्सीडेंट कितना भाई है? ये ट्रक जेड़ा सी ये ते फिलौर तो नूर महल जा रहा सी जी। जेड़ी नोवा गड्डी आ वो नूर महल तो फिलौर नु आ रही सी जी। बाकी जो अगले पासे जान देंगे फिर उसको पता लगे स्पष्ट। ਗੱਡੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਨਕੋਦਰ ਕੋਲ ਨਾ ਪਿੰਡ ਚਾਕਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀ ਨਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ ਆ। जम्मू कश्मीर राज्य मार्ग पर चनेनी के पास एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 घायलों को जिला अस्पताल उधमपुर पहुंचाया गया, लेकिन उन्हें भी डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। तो ये संगलान से आ रहे थे, हमारे बुज्जी है ये, तो उनके साथ 3 और लोग थे, 4 की डेथ हो गई है। तो गाड़ी बहुत दूर जा गिरी है, नीचे तवी के बिल्कुल पास में गिरी है, चनेनी के पास में जो मंदिर है वहाँ से नीचे जा गिरी है, तवी के पास में ही गिरी। तो इसमें 4 लोग थे, 4 की डेथ हो गई है। उनका नाम है शमीमा बेगम, वाइफ ऑफ, असली नाम उनका हजरा बेगम है, वाइफ ऑफ अब्दुल रहमान, और उनका बेटा है उसका नाम है अब्दुल हमीद, और उनका उनकी बेटी का लड़का भी है 16 साल का, उसका नाम है एजाज अहमद। हमारे लिए तो बहुत दुख भरी बात है, हमें देखा नहीं जाता है, एक ही घर के 4 बंदे जो हैं उनकी डेथ हो गई है साथ में। एसटीएफ ने गत दिवस ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से आई हथियारों की खेप और 2 किलो हेरोइन सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसटीएफ के डीएसपी वरिंद्र महाजन ने बताया कि सूचना के आधार पर वरना कार को रोककर जब उसकी तलाशी ली तो उसमें से 8 पिस्तौल और 2 किलो हेरोइन बरामद हुई। उन्होंने बताया कि यह डिलीवरी एक दिन पहले ही पाकिस्तान से आई थी। पकड़े गए आरोपी की पहचान परमजीत सिंह निवासी गांव हवेलियां के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि यह पहला मौका नहीं है जब पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र से हथियारों की खेप बरामद की गई हो, पहले भी कई बार हथियार बरामद हो चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है ताकि उससे आगे की पूछताछ की जा सके, जिससे और भी कई खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। असी लोगों ने अपने ऑपरेशन शुरू करते, थोड़े दिन पहले तो साडा एक ऑपरेशन चल रहा सी, जिहदे सानू ये इनफॉर्मेशन सी कि पाकिस्तान तो ड्रोन राही कोई कंसाइनमेंट आनी है जिहदे विच वैपन और हेरोइन होएगी। उस इनफॉर्मेशन नू लैके असी काम कर रहे सी, और कल सानू ये इनफॉर्मेशन कन्फर्म हो गई कि जिहड़ी कंसाइनमेंट पाकिस्तान तो ड्रोन राही आनी सीगी वह आ चुकी है। एक वरना कार नू रोकिया इनफॉर्मेशन दे मुताबक, जिदे विचों परमजीत सिंह एलियस पम्मा नां दा व्यक्ति मिलिया,
ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ 8 ਪਿਸਟਲ ਔਰ 2 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ FIR ਨੰਬਰ 302 ਮਿਤੀ 26/11/2022 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਔਰ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟੋਂ ਕੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਬ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਕੇ ਹੱਥੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਲਗੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾ ਨਿਆ ਮਾਮਲਾ ਰਸਤਾ ਮੁਹੱਲਾ ਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਹਾਂ UK ਭੇਜਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸਟਾਰ ਕਾਕੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੇ ਫਰਵਰੀ ਮਾਹ ਮੇਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੀਏ ਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤੋ ਉਸੇ UK ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਸਕੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦੀਏ। ਵਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਰਸਤਾ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨਵਨੀਤ ਆਨੰਦ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕਾਕੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣੇ ਕੇ ਲੀਏ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਏ ਗਏ ਥੇ। समय बीत जाने के बाद जब उन्होंने काकेश शाह को पूछा तो वह टाल मटोल करता हुआ नजर आया, जिसके बाद ना ही काकेश शाह ने उसे विदेश भेजा और ना ही पैसे वापस दिए, जिसके बाद उन्होंने थाना 3 की पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने कॉमेडियन काकेश शाह पर धोखाधड़ी का पर्चा दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए तलाश में जुट गई है। इस बारे में थाना 3 के प्रभारी कमलजीत ने बताया कि 25 नवंबर को मशहूर कॉमेडियन काकेश शाह पर FIR दर्ज हो गई है। सुबह उसके घर पर रेड की थी लेकिन वह फरार है। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਮੈਂ ਨਵਨੀਤ ਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਜੀ, ਅਤੇ ਕਾਕੇ ਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਜਤਿੰਦਰ ਆ ਭਾਜੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। 10 ਲੱਖ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ, 2,70,000 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਮੇਰਾ। ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ 2022 ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਮੈਂ ਨਾ 15/2 ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ 2,70,000 ਰੁਪਇਆ, ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ 2,70,000 ਰੁਪਇਆ, ਅਤੇ 3 ਤਰੀਕ ਆ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ 2,30,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਟੋਟਲ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਬੈਂਕ ਟੂ ਬੈਂਕ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਭਾਈ? ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ, ਹੱਥੀ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ? ਹੱਥੀ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪ੍ਰੂਫ ਆਇਆ ਵਾ, ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਪੈਸੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਬੂਤਰ ਭਾਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ, ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਛੱਡੇ ਮੈਂ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਚੱਕਰ ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਕੀ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਭਾਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 2,70,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਟ ਕੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਲਾਇਆ, ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਲਾਇਆ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਲਾਇਆ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ FIR ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਧਾਰਾ 406, 420 ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਤੇ। ਨਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਮੁਦਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੀ ਆਫਟਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਥਾਣਾ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਏਲੀਅਸ ਬੱਬਲੂ ਏਲੀਅਸ ਕਾਕੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀਪਨਗਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 420, 406 ਅਤੇ 13 ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਲੱਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਰੇਡ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਹ ਘਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮਰ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮਿਸਲ ਆਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਵਰਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਖੰਗਾਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੇਸਿਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਖੰਗਾਲਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਲੰਧਰ ਕੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨਗਰ ਮੇਂ ਸ਼ਿਵ ਜੋਤੀ ਸਕੂਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੋ ਲੇਕਰ ਹੁੜਦੰਗ ਔਰ ਹਥਿਆਰ ਲਹਿਰਾਨੇ ਵਾਲੇ ਯੁਵਕੋ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣਾ 2 ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ IPC ਕੀ ਧਾਰਾ 336, 427, 148 ਔਰ
49 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। संबंध में जानकारी देते हुए डीसीपी जगमोहन सिंह ने बताया कि यह मामला 200 के करीब युवकों के खिलाफ दर्ज किया गया है, जिसमें पुलिस ने 5 युवकों की पहचान कर ली है, जिनकी पहचान अर्जुन थापर निवासी मोहल्ला फतेहपुरी, टिंकू अरोड़ा, राजन थापर रजनीश और टोनी सभी निवासी मोहल्ला करार खां के रूप में हुई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है और बाकियों की पहचान के लिए कोशिश की जा रही है। जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ये जी असी एफ आई आर नंबर दर्ज कर दी है, 170 नंबर असी एफ आई आर दर्ज की और असी जे 5-6 जे बंदे उन्होंने बायनेम दर्ज की, बाकी जे अनपछाते की और साड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जल्दी असी इन्होंने जो अरैसट करके देखो ये साड़ी जी है साढ़े ए सी पी आ निर्मल सिंह जी जी तफ्तीश कर रहे हैं और जी तफ्तीश करने तो बाद जो सिटे पर पहुँचा क्योंकि साढ़े इन्वेस्टिगेशन का मामला जोड़ा अभी हजे डिस्कलोज नहीं कर सकते। देखो बारे स्टूडेंट से जो हजे तक जी हूँ तक इन्वेस्टिगेशन हुई है, पर फरदर जी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी जोड़े भी बंदे हुए उन्होंने खिलाफ कानूनी बंदी कर रही। निहंग सिंह जत्थेबंदी तरना दल के मुखी बाबा गज्जन सिंह की रहनुमाई में चल रही संस्था श्री गुरु हरगोविंद पब्लिक स्कूल मल्लिया जंडियाला गुरु में 12वीं एथलेटिक खेल मीट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटियो ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर किया। इस मौके पर पंचायत अधिकारी रणजोत सिंह ने भी विशेष रूप से शिरकत की। इन खेल मुकाबलों में बच्चों ने गतका के अलावा 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1000 मीटर, 1200 मीटर और 1500 मीटर दौड़ में भाग लिया। इस दौरान बच्चों ने भांगड़ा और गिद्धा भी पेश किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटियो ने पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर आने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया। इस मौके पर बच्चों के साथ साथ पत्रकार व बच्चों के माता पिता ने भी खेलों में हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रिंसिपल पलविंदर पाल सिंह, मनप्रीत सिंह, संतोख सिंह, रमनदीप कौर, युवराज सिंह, अमनदीप कौर, मनदीप कौर, मनदीप सिंह, राजदीप सिंह भी मौजूद रहे। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। सो अज इत्थे स्कूल दे विच आ के बहुत वधिया लग्या, काफ़ी बच्चों ने आपके जड़े सीगे ईवेंट्स गेम्स के वो किए ने। ये स्कूल जड़ा है ये तरना दल के मुखी जथेदार बाबा गज्जन सिंह जी की रहनुमाई हेठ चल रहा है और बड़े बच्चों के संस्कार ने, धार्मिक नेचर के धार्मिक भावनावां रखने वाले बच्चे ने इत्थे। सो मैनू इत्थे आ के एवें लग्या कि जेकर साढ़े जड़े स्कूल ने इस तरह के हो जाए, टैलेंट बच्चों का जरा उभार कढ लिया जाए, बच्चों जो सहूलत ने गेम्स बारे वो दिखाई जान होर, तो साडा सूबा जरा बहुत तरक्की कर सकता। गुरु हरगोबिंद स्कूल मल्लियाँ जो कि तरना दल की रहनुमाई हेठ जथेदार सिंह साहब बाबा गज्जन सिंह जी की रहनुमाई हेठ संस्था चल रही है। अज इतने 12वीं एथलैटिक मीट अं करवा रहे हैं वड्डे बच्चों की। इस तों पहला 15 दिन पहला असी छोटे बच्चों की कराई सी, अज थर्ड तो लैके प्लस टू तक जड़ी है वो करवा रहे हैं। अज साडे विच स्कूल दे विहड़े विच साडे हरमन प्यारे साडे ईटीओ साहब सरदार हरभजन सिंह जी, कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब आए ने सानू आशीर्वाद देने वास्ते। सानू बहुत साढ़े वास्ते माण की गल आ, साढ़े स्कूल वास्ते बड़े माण की गल आ कि अं उन्हां दा आशीर्वाद लिता, उन्होंने बच्चों नू आशीर्वाद दिता। सरदार भगवंत सिंह जी मान जी का जो सुपना है कि असी पंजाबी सूबे नू बचाना, पंजाब नू उपर खड़ना वा, नशा मुक्त करना, इस तहत अं गेम करवा रहे हैं ता जो बच्चों नू पता लगे कि पुरानी गेम्स की हैं, क्योंकि बच्चे मोबाइलों तक ही निर्भर रह गए हैं। बठिंडा के पुलिस पब्लिक स्कूल में नेशनल स्तर पर जिम्नास्टिक खेलकर वापस लौटे बच्चों को एसएसपी जे एलनचेलियन ने सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये बहुत ही मान वाली बात है कि बच्चे 38 मेडल जीतकर लौटे हैं। इस मौके पर कोच शेर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के हरदोई शहर में नेशनल खेलों में जिम्नास्टिक में अलग अलग उम्र व भार वर्ग के बच्चों ने भाग लिया, जिसमें उनके बच्चों द्वारा 38 मेडल जीते गए हैं, जो कि उनके लिए गर्व वाली बात है। शेर सिंह नाम है जी, पुलिस वाले स्कूल जिमनास्टिक कोच बठिंडा जी।
बच्चे साडे नैशनल जो अंडर 17 अंडर 19 दोनों तीनों चारों टीमों ने साडे ने गोल्ड मैडल प्राप्त किए जी। 38 गोल्ड है, 5 ब्रोंज है, 3 सिल्वर लिया जी। अज हाँ जी SSP साहब का आशीर्वाद आने लिया सके बच्चों पुलिस वाले स्कूल के बच्चे आ इस करके भी असी SSP साहब बठिंडा जी तो आशीर्वाद लैन पहुँचे से। बच्चों यही संदेश देना चाहते हैं जी भी खेलो, मेहनत करो वधिया, ते पढ़ाई ए नाल नाल खेडा खेडा नू आपदे शरीरक पक्षों भी तुसी तगड़े रहोगे गेमां दे नाल नाल। साडे पुलिस पब्लिक स्कूल दी बठिंडा ते बच्चे जिमनास्टिक ते नैशनल चैंपियनशिप ते हरदोई दे विच यूपी दे कंपटीशन विच शामिल होए ने और उन्होंने 38 मैडल्स जीत के आए ने। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी दा गोल्ड ब्राउन्स और सिल्वर दे डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे ने, ये सारे अपने बठिंडा पुलिस पब्लिक स्कूल के बच्चे ने और इन्हों का टीम नू मैं मुबारक देना स्कूल नू। जड़े कोच है साढ़े पुलिस का शेर सिंह, उन्होंने बहुत मेहनत की है, उपरौले किए हैं बच्चे के, आगे आने वाले भी साढ़े स्कूल है टीम और सारे कॉम्पिटिशन शामिल होंगे, असी स्पोर्ट्स नू प्रमोट कर रहे हैं। बच्चों ने मैं दोबारा धन्यवाद करता और उन्होंने कंग्रेचुलेट करता। पहले धर्म परिवर्तन और अब धर्म परिवार, यह साबित होता है वर्ष 2011 की एक वीडियो से जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें ईसाई भाईचारे के पास्टर हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं वायरल वीडियो के बाद हिंदू भाईचारे में काफी रोष दिखाई दे रहा है, जिसके संबंध में तमाम हिंदू संगठनों के नेताओं द्वारा पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की गई और उन्हें एक शिकायत पत्र दिया गया, जिसमें उन्होंने साफ किया है कि जल्द से जल्द इस वीडियो में दिखाई दे रहे पास्टर की पहचान कर उसे गिरफ्तार करें। वहीं उन्होंने यह भी साफ किया कि अगर उक्त पास्टर को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो पूरे पंजाब में संघर्ष और तेज किया जाएगा और उसकी जिम्मेदार पंजाब पुलिस होगी। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। एक बड़ी निंदनीय घटना वा, माँ दुर्गा का हिंदू समाज के विच की पूरे वर्ल्ड दे विच एक बहुत ही उच्च स्थान है, जगत जिन्हों जगत जननी का नाम दिता गया है। वो लोग इदा दी घटना करके अपने आप नूं ही लोगों की समाज की निगाह विच गिरा रहे हैं, ठीक है। खासकर उन्हां दा जिहड़ा एक टारगेट है, जिहड़ियां गल्लां असीं तुहानूं अगे कई मीडिया राही सरकारां दी पंजाब दी कोशिश कीती है कि उन्हां नूं इन्हां कम्मां दे लई विदेशां तों फंडिंग हो रही है जां उन्हां दा सारा सिस्टम है, ये उसी एक पार्ट उहदा ही एक अंग है जिहड़ा जिदा एक टारगेट उन्हां नूं मिलदा है उसी टारगेट के तहत वो चलते हुए साढ़े समाज में तोड़न की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वीडियो भी वह ही अंग है। धर्म का प्रचार होना चाहिए वा, धर्म का प्रचार किया जा रहा है, सिख पंथ वालों भी किया जा रहा है, साढ़े समाज वालों भी किया जा रहा है, ये कोई कमी नहीं है। बट वो इस तरह कुछ जी तुम गल कह रहे हो कुछ लोगों तक आम बंदे की पहुँच नहीं हो पाती, वो ये सिर्फ फोकस करके ये उन्होंने फोकस करके टारगेट करते हैं, जिहड़े इन्हां दे पंजाबी कह लो एजेंट कह लो जां इन्हां दे जिहड़े अपने लोग ने समाज जगह जगह दे विच जा के एक घुसपैठिए की तरह काम करके लोगों को टारगेट करते हैं। उन्होंने जिहड़ा बंदा उस टाइम बीमार होएगा जां किसी मुसीबत वजह नैचुरली कह लो दुखी होएगा, दुखी बंदे दे जाके जिहड़ा भी मतलब बनाएगा वह उन्हूं चंगा लगेगा चाहे कोई भी होवे, बट उन्होंने ये पता नहीं हुंदा उस मरम दे पिछे मंशा कुछ होर है। KVI एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की ओर से मेगा ब्लड कैंप लगाया गया, जिसमें 500 के करीब लोगों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर सोसाइटी के सदस्य विक्रम सिंह ने कहा कि रक्तदान महादान है और नौजवानों को बढ़ चढ़कर रक्तदान करना चाहिए, जिससे मरीजों को रक्त मिल सके और उनकी कीमती जान बच सके। इस मौके पर युगल किशोर शर्मा, सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन के अमरवीर सिंह और पार्षद जरनैल सिंह ने विशेष रूप से शिरकत की और लोगों को अधिक से अधिक रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। अंत में रक्तदान करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज जी सिफ्टी इंटरनेशनल पैलेस के साडे ऑर्गेनाइजेशन है नॉलेज वाला वेलफेयर सोसाइटी KVI वेलफेयर सोसाइटी ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਧੀਰਾ ਭਾਅ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਰ ਕਲਕੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ੇਰੀ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਥੈਲਾਸੀਮੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਟੀਮ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ NGO ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ KVI ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਖੂਨ ਦੇਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ।
जिथे कि सानू पता है कि खून कोई फॉर्मूला या कोई मशीनरी अजे तक यहोजी नहीं बनी जो ब्लड बना सके, एक इंसान यहोजी फैक्टरी है जिसे खून बनता है, तो उस फैक्टरी तो ही आप किसी को देकर किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। नौजवानों में बहुत उत्साह पाया जा रहा है और इस वक्त साढ़े तकरीबन 150 तो प्लस हो चुके हैं और आस है कि 400-500 यूनिट 400-500 यूनिट होएगा जी। अब मैं अपने वीर बिक्रमजीत सिंह जी जो कि KVI के फाउंडर मैंबर ने उन्होंने बहुत बहुत बधाई देना। वो बाबा दीप सिंह जी के घर तो उन्होंने लगन लगी सेवा की, इन्हों जल देवता के नाँ नाल भी सारे जानते सी और साडे लिए बहुत माण वाली गल है कि साडी टीम का हिस्सा ने और साडे भरा ने, असीं हर वेले इन्हां दे नाल सेवा करन दे विच तत्पर रहिंदे आ और ये सारी टीम नूं सेवा दे लई प्रेरित करदे रहिंदे हन। मैं अज दे इस दिन लई इन्हां नूं बहुत बहुत बधाई दिंदा। जिस भी किसी नूं वीर भरा नूं भैण नूं लोड़ पैंदी है खूनदान दी जां होर वी विआह शादी दे विच किसे नूं कोई मुश्किल आउंदी है ते इन्हां दा आनंद काज वीर विचारे करवाउंदे हन, मैं गुरु रामदास दे महाराज चरणां च बेनती करदा सच्चे पातशाह ये सभा सैटियां जिन्नियां वे इन्हां सारिआं ते मेहर भरे हत्थ रखण, तगड़े हो के काज करन। सिख स्टूडेंट फैडरेशन मैता वी इन्हां सारी जथेबंदियां दे नाल चढ़दी कला दे नाल हमेशा ही पहलां वी संजोग दिंदी आ रही है, हुण वी चढ़दी कला नाल संजोग दे रही है। शिव शक्ति मंदिर धर्मशाला अनूपनगर की ओर से मां भगवती का 12वां वार्षिक जागरण करवाने के उपरांत मां चिंतपूर्णी के दरबार में हनुमंत ध्वज चढ़ाने की रस्म अदा की गई, जिसके चलते सभी भक्तजन प्रधान बंसीलाल की अध्यक्षता में ढोल की थाप पर मां चिंतपूर्णी धाम के लिए रवाना हुए और वहां पहुंचकर हनुमत ध्वज को चढ़ाने की रस्म अदा की। इस मौके पर सचिन, पूरन, सन्नी, पुनीत, बिंदर, जगमोहन सहित बड़ी संख्या में मां भक्त मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए जगमोहन की रिपोर्ट। शिव शक्ति मंदिर तो सारी संगत माता रानी के जागरण करवाने उपरांत हर साल माता चिंतपूर्णी दे हनुमान ध्वज चढ़ाने जाते हैं। रस्ते च शिवबाड़ी बहुत ही पवित्र जगह है ते उत्थे सारियां संगतां हर साल श्रद्धा पूर्वक मत्था टेकदियां अपनियां आसां मुरादां मंगदियां ते भोले भंडारी जी सब दियां आसां मुरादां पूरियां करन। प्रधान मंदिर के प्रधान शिव शक्ति मंदिर के बंसीलाल जी ते सारी मंदिर कमेटी ते सारी संगत। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाल व युवा गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर गायक विजय कौड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद वीनू सहगल, गोपाल पांडे, बिन्नी सावरिया, चंद्र कन्हैया, डॉली, राजेश शर्मा और मीनाक्षी ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेव आनंद और रमन शर्मा, रीटा शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। हम गरीबों का तू है सहारा, हम गरीबों का तू है सहारा, वरना साथी है कौन हमारा, बदले सारा जहां ये जमी आसमां, प्रीत अपनी तो वो ही पुरानी रहे, पुरानी लखदा बना देनिए, कख नो भी लखदा बना देनिए, रहमता तो जद बरसा देनिए, कख नो भी लखदा बना देनिए, कख नो भी लखदा बना देनिए, कख नो भी लखदा बना देनिए, सुके हुए बूटियां ते महारानिए, सतरंगे फुल तू खिला देनिए, सतरंगे फुल तू खिला देनिए, सतरंगे फुल तो खिला देनिए, सुख साडी टोली विच पाके। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर में हड्डी विशेषज्ञों का 67वां 5 दिवसीय सम्मेलन IAO एकॉन 2022 आयोजित किया जा रहा है। इस संबंधी जानकारी देते हुए इंडियन ऑर्थोपेडिक के प्रधान डॉक्टर रमेश कुमार सेन और डॉक्टर गुरविंदर सिंह ने बताया कि इस प्रकार का सम्मेलन प्रतिवर्ष इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के तत्वाधान में होता है। इस बार इस सम्मेलन में देश विदेशों से लगभग 7000 हड्डी रोग विशेषज्ञ भाग लेंगे, जिसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर में PG टीचिंग कोर्स तथा 11 विषयों पर कार्यशाले श्री गुरु रामदास मेडिकल कॉलेज में आयोजित की जाएंगी।
इस सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर इंद्रबीर सिंह निज्जर मुख्य अतिथि होंगे, जबकि अमृतसर के मेयर करमजीत सिंह रिंटू विशेष अतिथि होंगे। वहीं उद्घाटन सत्र में देश के चुनिंदा हड्डी रोग विशेषज्ञों को विभिन्न अवार्डों से सम्मानित किया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं रमेश कुमार सेन, मैं प्रेसिडेंट हाँ इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन, जेड़े पूरे इंडिया विच हड्डियां दे डॉक्टर ने ऑर्थोपेडिक सर्जनस दे, साडे 15,000 लोकां दी एक 15,000 स्पेशलिस्ट दी एक एसोसिएशन है। ते इस एसोसिएशन हर साल इंडिया विच कदे कदे हर जगह ते कॉन्फ्रेंस कर दी, जिस विच असी काफ़ी साइंटिफिक प्रोग्राम कर दे, टीचिंग भी करते, ट्रेनिंग भी करते, नए नए चीज़ों का इनोवेशन भी करते, बाहर तो स्पीकर भी आते, वो भी गाइड करते, तो अपनी सारी रिसर्च भी प्रेजेंट होती है। तो ये डिसाइड होंगे कि कितने कितने, तो 3 साल पहले डिसाइड हो गया सी कि एक कॉन्फ्रेंस अमृतसर होनी है, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों ने ऑल ओवर इंडिया में जो पोल होया सी, जो लोगों ने ओपीनियन किया कि अमृतसर इज़ द बेस्ट प्लेस, होली सिटी है, तो असी कदे भी दिल्ली तो नॉर्थ दी वेले कदे भी ए नहीं कीती है मीटिंग, सो इट शुड बी अमृतसर, तो इस वास्ते वो अमृतसर डिसाइड होया सी। कॉन्फ्रेंस 29 तरीक तो लैके 3 तरीक ते तक चलेगी। तो सर किथे कीती जाएगी? 29 तरीक नूं वर्कशॉप्स होणगीआं जिहड़ियां गुरु रामदास मैडिकल कॉलेज ते गवर्नमेंट मैडिकल कॉलेज हो रही ने। 30 तरीक तो लैके 3 तरीक तक गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर दे विच मेन कॉन्फ्रेंस होवेगी। यदा फायदा यह है जेडे यूनियर डॉक्टर्स ने उन्होंने काफ़ी कुछ सीख, सीनियर डॉक्टर्स तो सीख का मौका मिलेगा, वर्कशॉप के उन्होंने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हत्थी काम करने का मौका भी मिलेगा। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। नूर महल रोड पर कार और ट्रक की आमने सामने हुई भीषण टक्कर, 2 लोगों की मौत, 6 गंभीर घायल। जम्मू कश्मीर राज्य मार्ग पर चनेनी के नजदीक हुआ एक सड़क हादसा, 4 लोगों की हुई मौत। अमृतसर एसटीएफ ने ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से आई हथियारों की खेप, 2 किलो हेरोइन की बरामद, 1 आरोपी को किया गिरफ्तार। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।